और भारतीय जनता पार्टी का जोड़ा रोल है उसी उदी उन्हीं सारे नीतियों को प्रभावित हुई है। ये सारे साथी अज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने जा कर देन। तो मैं आदेश जी की आगा कि मैं नाम बोलता जागा तो अध्यक्ष जी और साढ़े नीलम जी अध्यक्ष एससी मोर्चा दे पर मैं आगा कि इन्हें सारे साथियों का हार पाइए स्वागत किया जा और इनकी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कराई दी जा। तो ये मैं चूंकि मुश्ताक जी की हैगा साढ़े मुश्ताक जी रजौरी थमां पैंथर्स पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे न। क्या बात है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले जनाब मोहतरम आपको मुबारक देता हूँ, आपको भी तालियों से इस्तकबाल करें मुश्ताक साहब। बहुत अच्छा मुश्ताक साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और मैं आपको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका शुक्रिया, तालियों से इस्तकबाल करें, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बलवंत सिंह मनकोटिया साहब, ये बाद साढ़े साथी मुश्ताक जी फिर ग्रुप फोटो वास्ते लैने पर बेही जाओ। ये बाद साढ़े साथी छोटे भरा और बहुत होनहार जड़े न साढ़े लीडर न श्याम लाल चेयरमैन बीडीसी कटरा, तालियों से श्याम लाल जी की मैं आगा के मंच ऊपर आई हैं। क्या बात है श्याम लाल जी, जय माता दी, जयकारा मन शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। बड़ी मुबारक है, बड़ी बड़ी मुबारक है जनाब श्याम लाल जी, बीडीसी चेयरपर्सन। क्या बात है, क्या बात है, लो श्याम जी बहुत मुबारक है, बड़ी बड़ी मुबारक लख लख बधाइयां, लख लख बधाइयां, थैंक यू। तेज सिंह होरें हैगा इस सरपंच दी जिम्मेदारी भी निभाई है बंबाग एरिया दे, बड़े जबरदस्त लीडर भी और समाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तेज सिंह जी बहुत बहुत मुबारक है जनाब मोहतरम सरपंच साहब, बड़ी बड़ी मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक है तेज सिंह साहब, बहुत मुबारक जनाब। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹਨ। ਜੈਕਾਰਾ ਮਾ ਸ਼ੇਰਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਮੰਗਲ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਵਿਨਾਸ਼, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਆਈ ਹਨ, बड़ी मुबारक है अविनाश जी, बहुत बहुत मुबारक है सरपंच साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सेक्रेटरी युवा मोर्चा का तीन चार कर रहे हैं। क्या बात है, बड़ी मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारकबाद है, बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। रवि शर्मा जी सरपंच, क्या बात है, देखो ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚ ਰਵੀ ਅਤਰੀ ਜੀ, ਪੰਚ ਰਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਪੰਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਦਾ। ਰਤਨ, ਪੰਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, चैन सिंह जी मेरी आवाज सुन, चैन सिंह जी आई आओ। एदा बाद पंच प्रभु जी, चौधरी बशीर जी, बड़ी बड़ी मुबारक, चौधरी बशीर जी आई आओ, बड़ी बड़ी मुबारक। एमराज जी, पंच एमराज जी आओ सर, आई आओ ग्रुप च गए, जनाब तुसी बड़ी मुबारक है। शाम जी और कुसे साथी दा नाद नहीं रहा, चैन सिंह दा बोलूड़ा मैं, ग्रुप च गए आई आओ सारे, बहुत बहुत मुबारक, शाबाश, लख लख बधाइयां जनाब, आई आओ ग्रुप च, आई आओ सर, बड़ी मुबारक। सरपंच भीम सिंह जी, एक्स सरपंच भीम सिंह जी, एक्स चेयरमैन कपूर सिंह जी, श्री बशीर जी, पंच मंगल जी, चौधरी साहब नूं आन दिओ, जगजीत जी, ऋषभ जी, जगमोहन जी, अंग्रेज सिंह जी, बलदेव जी,
मनशा मोहम्मद जी, मनशा मोहम्मद जी जेड़े अपनी पार्टी थमां डीडीसी इलेक्शन लड़िया, एक मिनट थोड़ा मैं बोलना राणा साहब, एक ग्रुप का ही है। बड़ी मुबारक, क्या बात है जनाब, बड़ी मुबारक जनाब, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बड़ी मुबारक। एक फिर ग्रुप फोटो ले लेने सारे, बड़ी मुबारक। चलो इलिम पर बलदेव सिंह जी मुबारक है, बड़ी बढ़िया। मनशा जी डीडीसी कंटेस्टेंट अपनी पार्टी दे, क्या बात है, फुल पाला पाओ लाओ जी। मनशा जी मुबारक तुसी, बढ़िया बढ़िया, आओ जी आओ। अच्छा विक्रम सिंह तेरा की हाल है, ऋषभ शर्मा, ऋषभ जी को बड़ी बड़ी बधाई है, मुबारक कुत्थे ने घर थोड़े, बहुत अच्छा, बड़ी मुबारक है ऋषभ जी को, शाबाश, बड़ी मुबारक। राणा साहब अजय राणा जी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी डीडीसी दे कैंडिडेट भी है, इलेक्शन लड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अपनी पार्टी केजरीवाल दी पार्टी मोहन नहीं नहीं अपनी पार्टी बखारी मोहन राणा जी, मोहन राणा जी नगरोटा थमा, दुए मदन लाल जी, नितेश कुमार जी, बड़ी मुबारक है जनाब, बड़ी बड़ी मुबारक है जनाब, लख लख बधाइयां तुहानू जनाब, बड़ी बड़ी मती मुबारक है। शौकत खटाना जी आर्मी तू रिटायर्ड, ये भी साढ़े बड़िया मुबारक सर, आओ खटाना साहब थोड़े भी स्वागत। और कोई बलदेव जी, बलदेव जी जल्दी आओ, आओ ना, जगती बड़े मुबारक है, कटाना साहब, कटाना साहब रिटायर्ड फौजी, जैन साहब जी, बलदेव जी ऊपर आओ, क्या बात है, वाह बड़ी मुबारक है आपको, रजौरी में कहाँ रहते थे, शाबाश, बड़ी मुबारक है, लो जी बलदेव जी, बलदेव जी चलो आओ, बलदेव जी एक कुछ रोने वाले, घुमाओ दो हिस्से जो ये नादा उधमपुर दे दा रहा सी, बाकी भी नहीं उन पर गंदा, बाकी का ध्यान किया नहीं, बाकी दे चलो चलो, बड़ी मुबारक है सर, जनाब बड़ी मुबारक है सर, जनाब बड़ी मुबारक है, 50% कांस्टिट्यूएंसी वैष्णो, बड़ी बड़ी क्या बात, बढ़िया मुबारक, क्या बात। एदे बाद मैं अध्यक्ष जी की आगा अरविंदर रैना जी की के आज दे जड़ा इंदे चा कोई एक दो जड़े कोई शार्ट शार्ट बीडीसी चेयरपर्सन साहब बुलाओ, बीडीसी चेयरमैन जिन्हें ज्वाइन किया है शाम जी, शाम भगत जी, मैं शाम भगत जी आगा दो मिनट आस्ते है, इस साइड आओ, चलो बोलो शुभम, सारें गी जय माता दी। जम्मू कश्मीर यूटी दे प्रेसिडेंट जनाब रविंदर रैना जी, उंदे कन्ने गै बैठे नवनियुक्त एस सी सैल दे नीलम लंगेह जी, जम्मू प्रोविंस दे के जम्मू कश्मीर दे जुझारू नेता मनकोटिया साहब, मेरे साथ आए हुए सरपंच मंगल सिंह जी, रवि जी, अविनाश सिंह जी, रवि जी पंच अत्री जी, रवि जी, रतन सिंह जी, प्रभु जी, बमा की बड़ी जाने माने शख्स एक्स सरपंच तेज सिंह जी और उनकी पूरी टीम। चूंकि मैं आपको बता दूं, आज हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे जम्मू पूरे ऑल इंडिया को एक किस्म का प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं, एक सोने की चिड़िया बनाने जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि खासकर मैं ब्लॉक कटरा की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार
जम्मू कश्मीर का जो सेंसिटिव सबसे प्रसिद्ध जगह माता वैष्णो देवी है, वहाँ वो 6 वे का प्रोजेक्ट जो डायरेक्ट 6 घंटे में दिल्ली से होके बाय अमृतसर तो कटरा बनने जा रहा है, उसके साथ ही वहाँ पे IMS एक बड़ा इंटर मॉडल स्टेशन बनने जा रहा है जहाँ हर किस्म की सुविधा खासकर यात्रियों को मिलेगी और लोकल्स को भी मिलेगी, उसमें बस भी मिलेगी, ट्रेन भी मिलेगी, एयर टिकट भी मिलेगी। और मैं कितने काम गिनाऊं आपको भारतीय जनता पार्टी के और खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी और इनके जम्मू कश्मीर जूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी और इनकी पूरी टीम के। मैं सभी साथियों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, हम सब साथियों को इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे लेके जाना है। हमें किसी भी जात धर्म मजहब में नहीं फंसना है, हमने डेवलपमेंट की ओर जाना है। आज हम उसी डेवलपमेंट को देखते हुए हमें ये लगता है कि हम भी इसमें अगर कोई थोड़ी सी कड़ी या थोड़ी सी कहीं पे प्रगति कर सकते हैं या अपने हाथ दे सकते हैं तो हमें ये पार्टी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, शानदार, बड़ी मुबारक है। तेज सिंह जी, 2 मिनट। तेज सिंह जी और तेज सिंह जी के बाद तैयार हैं सरपंच साहब और उसके बाद जनाब मोहतरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो लहू क्या है। बहुत खूब। हुआ है शह का मुजाहिब, फिरे है एतराता, बगरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। हमारे जम्मू कश्मीर के टॉप लीडरशिप और विश्व प्रसिद्ध हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरी दुनिया में जिन्होंने हिंदुस्तान का जो झंडा वो ऊंचा किया, उनकी तरफ ये जो बात हम टूटे फूटे अल्फाज में कह रहे हैं, वो कहने वो शख्सियत इन अल्फाज के मोहताज नहीं, फिर भी उनकी कारकर्दगी और उनका तौर तरीका जो है देश को आगे ले जाने का, वो हर इंसान को मजबूर कर दे कि उनके जो ये बहुत बड़ा जो एक काम उन्होंने नए भारत के निर्माण का उठाया है बेड़ा, उसमें अपना योगदान देने से पीछे रहे। ऐसा कोई मौका अभी नहीं लगता कि कोई पीछे रह जाए इसमें, और हर आदमी जो है इसमें अपना योगदान देने के लिए जहाँ पे खींचा चला आए। वैसी कुछ स्थिति जो है इन दिनों में और कुछ सालों से, जब से हमारे रविंदर रैना जी देश के प्रदेश पे हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो हैं, इनकी तोड़ में जो जनसलाब जहाँ पे उमड़ा है वो एक अपने आप में मिसाल है। इसलिए आज इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीडरशिप जो अभी बदली है और नए लोग जो आए हैं, हमें उम्मीद है कि वो लोग अच्छा काम करेंगे, और हम चाहते हैं इस सिलसिले में हम भी अपना जो योगदान है उसको देने के लिए थोड़ा सा जो जितना हमारा तजर्बा है उसको हम जोड़ें साथ में, और देश जो है जो प्रगति की ओर जा रहा है उसमें हम भी कहीं ये कड़ी बने। जैसे हमारे श्याम जी छोटे भाई और होनहार लीडर जो कटरा से, जिन्होंने अपना सफर जो है वो बिना किसी पार्टी सपोर्ट के आज तक किया, पर फिर भी अच्छे लोगों का साथ सहयोग इनके साथ रहा, तो हम चाहेंगे आज अच्छी जगह अच्छे इंसान के लिए जब अच्छी जगह मिले तो वो क्यों ना आगे चले, ऐसी हम उम्मीद रखेंगे। और पूरी पार्टी वहां पे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जहां जहां भी कमियां रहेंगी, जनाब की अध्यक्षता में हम उसको और कोशिश करेंगे उन कमियों को दूर करने की। और एक बात जो मैं यहां पे कहूं, थोड़ा सा बात कहनी नहीं चाहिए थी फिर भी मैं कह दूं कि अच्छी जगह अच्छे लोग जब दौड़ लगाते हैं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वहां ना पहुंचे, तो ऐसा कहीं जब कभी किसी जगह देखने को मिलता है, आपका लंबा तजर्बा है, तो हम चाहेंगे कि निशानदेही करने की जरूरत है कि अच्छा आदमी अगर अच्छी जगह आ रहा है तो जिस आदमी को प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे क्या कारण है। कुछ कहीं ना, हम नहीं कहते कि ऐसे लोगों को निशानदेही बड़ी करो, पर थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है कि उनका आपस में तालमेल बने। तो ऐसे लोग भी हैं, वो मिलेंगे आपको और हमें मिल भी रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे हमारे रफीक जी, इन्होंने बड़ा साथ निभाया है हमारे ST बरादरी के लिए, बमाग में तो बड़ा इनका वर्चस्व है, जो आते हैं और इनकी वहाँ पे नुमाइंदगी मिलेगी लोगों को, इनके बरादरी के लोगों को, तो इसलिए मैं इसी बात के साथ मनकोटिया साहब के नुमाइंदगी को मंजूर करते हुए और रैना साहब की नुमाइंदगी को जम्मू कश्मीर के अंदर मंजूर करते हुए हम कोशिश करेंगे कि अपना जितना भी योगदान हो ईमानदारी के साथ इस पार्टी के लिए और पब्लिक के लिए, पब्लिक है तो पार्टी है, पार्टी है तो पब्लिक, दोनों का रिलेशन जो है वो आपस में। इसलिए मैंने कह दिया कि हुआ है शेख का मुजाही, फिरे है अतराता, बगरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है,
है पार्टी है, हमारे पास नेतृत्व है, तो फिर हम भी कहते हैं कालर खड़े करके कि हम भी किसी के साथ जुड़े हुए, वरना हमें भी कोई पहचानता नहीं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर यकीनन आगे की प्रगति की ओर जाएगा। और आपने जो नारा कभी कभार लोग जो जिसको कभी हल्के में भी लेते हों, तो मैं समझता हूं मनकोटिया साहब और आपके बीच का जो अभी तालमेल है, जैसे आप काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो यकीनन पूरा होगा और हम उसमें कहीं ना कहीं एक किसी बॉटम लाइन पे खड़े रहेंगे। शुक्रिया। जय जय भारत, जय मां वैष्णो। बहुत अच्छा, शाबाश। मंगल सिंह पांडे, आपको हार्दिक अभिनंदन है, बधाई है। जय माता दी। जय माता दी। सारे कोला पहले मैं अपनी कटरे दा माता वैष्णो दा नारा लांग, जय करा शरवाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। बाकी मैं मंगल सिंह सरपंच कटरे दा, मैं रविंदर रैणा दा बड़ा इयां दिला कन्ने गहराइयां कन्ने शुक्रिया अदा करना। मेरे दादा पड़दादा साढ़े हमेशा बीजेपी कन्नै गै चले, पूरी उम्र उन्हें चलदे चलदे बेचारे स्वर्गवास भी होई गया उंदा, ते अस भी बचपन दे चलदे गै आए, ते बाकी थोड़ा एक टैगे की कमी ही, बाकी वह पूरी करी ओड़ी है। ते बाकी बड़ा बड़ा शुक्रिया मनकोटिया साहब ते अपने साहब दा जनाब नीलम जी दा तह दिल कन्नै शुक्रिया अदा करूं। ते जरूर महाराज अस अशाना पछाना होइया एह्दे कन्नै पूरा काम करगे, पूरा तन मन लाइए। जय माता दी। चलिए बहुत अच्छा, मंगल सिंह जी जेडे सरपंच कटरे दे, बड़िया शैल गल्लां उन्हें गलाइया, ते अस भी दिल खोलिए थोड़ा स्वागत करने आ। ते जनाब आजी मुश्ताक साहब पहाड़ी कबीला, आप गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीला गद्दी सिपी, उनके एक माया नाज रहनुमा, आर्मी के एक जांबाज जो सिपाही रहे हैं जनाब मुश्ताक साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूं जो ज्वाइनिंग के बाद अपने दो अल्फाज आज यहां रखेंगे। मुनासिब या समझूं कि हूं गोजरी में गल करूं तो अच्छी बात। ताली ताली। काबिले इज्जत जनाब रविंद्र राणा साहब, मेरा सरबरा और रस्तो दसन वाला मनकोटिया साहब, और जनाब नीलम साहब इन्हों को शुक्र गुजार हाँ कि इन्होंने मीना इत अपने को खड़ा हो गल कर इजाजत दी, इन्हों को शुक्र गुजार। मेरे सामने बैठा हुआ जितना भी हजरात हैं इन्हें सारा ना सलाम को और जय हिंद को। बात यह है कि यो हिंदुस्तान मारो है, हम इसका सिपाही हाँ, इसने चलान वास्ते जिस तरह मोहतरम रविंद्र राणा साहब ने या जनाब मोदी साहब ने जो एक रस्तो अख्तियार कियो है, इस पर चलन वास्ते यो एक बहुत बेहतरीन रस्तो है और इस पर चलन वास्ते हम सब ने तावन करना चाहिए। और आने वाला वक्त में इस पार्टी को जितनी बधाण की कोशिश हो सके उसने बधाएं, ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, रजौरी की पहुंच तक की गल करूं, इस वक्त कितनी डिवेलपमेंट रोडों की हो रही है, कितना टंडल निकल रहे हैं, जिड़ो हम चार या पांच घंटा में सफर करा था वो आज दो या ढाई घंटा में बाकी रह जाएगा। वह मैंने याद है जेड़े हूं कासी बासी या त्रियासी में छुट्टी आऊं तो एक टूटी हुई बस वह थी, उस पर बहस के सवेरे 7 बजे बैसू तो रात 7 बजे रजौरी पहुंचू तो, और रात तो किसी होटल पर अपना सामान रखे बिस्तरों बोरी, रात मोड़े डेरे जाऊं तो 12 बजे पहुंचो तो डेरे, आज वो निकलो आयो होनी अल्लाह ने खैर की 2-3 घंटा में मुड़ गए रजौरी चलो जाऊंगो, या किसकी देने और किसी करमात है ये जीड़ा बैठा हुआ इना की इना को शुक्रिया अदा करना चाहूं। और आने वाला वक्त में मेरे पर जिड़ी भी जिम्मेवारी लावेगा इंशाल्लाह हूं अपने मान दान नाल वा निभाऊंगा। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सारा। बहुत अच्छा शुक्रिया, क्या बात, बड़ी मुबारक है चौधरी साहब, तमना सोहनी गल कही तमना गोजरी में दिल खुश कर छोड़िया। तो साथियों आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि
माता वैष्णो देवी जी के पवित्र दरबार, जो माता की नगरी है कटरा नगरी, वहां के बहुत ही प्रोमिनेंट सहयोगी साथी, जिसमें बीडीसी के चेयरमैन श्रीमान श्यामलाल जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और वहीं से ही सरपंच मंगल जी और उनके साथ साथ वहां अविनाश सिंह जी, रवि शर्मा जी, रवि अत्री जी, रवि विशाल जी पंच, रजिंदर जी, रतन सिंह जी, हेमराज जी पंच, प्रभु जी, चौधरी बशीर अहमद साहब, हाजी मुश्ताक जी, जो बड़ी खुशी की बात है कि जनाब चौधरी हाजी मुश्ताक साहब, जो कि रजौरी के रहने वाले हैं और आर्मी के एक बड़े कमांडर जिन्होंने मुल्क की सेवा की है, पैंथर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे रजौरी के, और वो छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं श्री भीम सिंह जी एक्स सरपंच, कपूर सिंह जी एक्स चेयरमैन पंचायत, चौधरी बशीर जी पंच मंगल जी, श्री जगजीत सिंह जी, ऋषभ जी नौजवान एक साथी हैं, जगमोहन जी और अंग्रेज सिंह जी, इनके साथ साथ नगरोटा विधानसभा से अजय राणा जी, जो कि वहां डीडीसी का चुनाव भी लड़ा है उन्होंने, और मोहम्मद मंशा जी, मोहन राणा साहब, मदन लाल जी, नितेश कुमार जी, ये सारे नगरोटा असेंबली से आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और इनके साथ तमाम बाकी के साथी जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में चारों दिशाओं में, हर गांव में, हर वार्ड में, हर पंचायत में, घर घर में आज भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा झंडा बुलंद हो रहा है। जिस तरीके से हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने काम किए, गरीब मजदूर किसान, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, गुजर बकरवाल, पहाड़ी कबीला, गद्दी सिप्पी, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है, और यही कारण है आज बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। जनाब चौधरी मुश्ताक साहब यहां बोल रहे थे, इन्होंने जिक्र किया एक जमाना था जब रजौरी से बुद्दल बकोरी, मंजाकोट, दराल, थन्ना मंडी, पूंछ, बफलियाज, सुरनकोट, मेंडर मंडी, लोरन सब्जियां से लोग जम्मू की ओर आते थे, तो जम्मू पहुंचते पहुंचते यहां 12 से 15 घंटे लगते थे। पूरा पूरा दिन गाड़ी चलती रहती थी रजौरी पूंछ से, तो जम्मू नहीं पहुंच पाती थी, और आज जब हाईवेज, फ्लाईओवर, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, काली धार के जंगलों में पहाड़ों को के बीच से जो टनल्स बन रहे हैं, रजौरी के पहाड़ों को जहां पार करना मुश्किल होता था, वहां आज बड़े बड़े टनल चाहे भिंबर गली में बने, सुरनकोट के रास्ते में बने, और ये पुंछ तक का और रजौरी तक का जो सफर है अब चंद घंटों का सफर है।
एक जमाना था जब दिन लगते थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक दौर आया जब बॉर्डर के ऊपर सड़कों पर जोर दिया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाजपेयी साहब ने चलाई, और आज जब मोदी साहब आ गए, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, फ्लाईओवर, टनल्स, आप देखेंगे आप कोई पुंछ से चलेगा, जो सफर किसी जमाने में 15-15 घंटे लगते थे, अब 3-4 घंटों में जम्मू काम निपटाया, शाम को वापस अपने घर जाके रात को आराम करेंगे और परिवार के साथ ये लोग रहेंगे। साथियों, ये किसकी देन है? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की देन है, जो उन्होंने डेवलपमेंट के इतने बड़े पैमाने पर काम किए। आज रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन बनहाल हो, गूल अरनास गुलाबगढ़ हो, भमाग मोंगरी पंचारी लांदर हो, उधमपुर रामनगर मजालता या डूडू बसंतगढ़ का एरिया हो, लाठी मरोठी का एरिया हो, चनेनी घोड़ी का एरिया हो, आप जहां भी जाएंगे आप देखो हर गांव में सड़क है, हर गांव में बिजली है, हर गांव में पानी की व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। ये सारी देन नरेंद्र मोदी साहब की है और भारतीय जनता पार्टी की। श्रीमान श्यामलाल जी जो चेयरमैन हैं बीडीसी के कटरा से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा इलेक्शन आते हैं, लोगों को मजहब के नाम से लड़ाया जाएगा, कभी हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को ईसाई से, कभी आपसी फसाद पैदा किए जाएंगे, और यहां हिंदू और मुसलमान नहीं होगा तो वहां देखेंगे कि गांव और शहर के बीच की लड़ाई खड़ी कर दो, गुज्जर और पहाड़ी की लड़ाई खड़ी कर दो, गद्दी और सिप्पी की लड़ाई खड़ी कर दो। इस किस्म के साजिशें वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी लोगों का भला नहीं किया। श्यामलाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जो डेवलपमेंट के काम बड़े पैमाने पर यहां मोदी साहब कर रहे हैं, इन कामों को हम वोट दें, इन कामों के लिए हम जनता के बीच में जाएं। आज जम्मू कश्मीर में हर इंसान के पास, चाहे अमीर है, गरीब है, शहर का, गांव का, हिंदू मुसलमान सिख, जम्मू का या कश्मीरी कोई हो, मोदी साहब ने जो गोल्डन कार्ड 5-5 लाख रुपए के दिए हैं, कितनी बड़ी योजना है। अगर कोई बीमार हो गया तो उसके इलाज के लिए 1 साल उस गोल्डन कार्ड हेल्थ कार्ड से मोदी साहब 5-5 लाख रुपया देते, एक बटन मोदी साहब दिल्ली से दबाते हैं तो किसानों के खाते में साल का 6-6 हजार आता है, जिससे किसान खाद और बीज खरीदता है, फसल तैयार करता है, ट्रैक्टर की बिजाई करता है, पैसे देता है। आज गरीब लोगों के गांव गांव में मकान, पीएमएवाई के मकान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बाथरूम गरीब लोगों के घरों में, 1000-1000 रुपया पेंशन गरीब लोगों को, और फ्री राशन गरीब लोगों को, और उसके साथ साथ आप देखें कि किस तरीके से मोदी साहब ने जो हमारी माताएं बहनें हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस के मुफ्त सिलेंडर कनेक्शन माताओं बहनों के नाम, लाडली बेटी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाकर किस प्रकार छोटी छोटी कंजकें बेटियों के प्रति मान सम्मान, ये सब अभियान मोदी जी ने लिया। मेरे साथियों दोस्तों, जब मोदी जी जब भी बात करते हैं तो मोदी साहब हमेशा 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। मोदी साहब कभी
भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, मोदी साहब सबको साथ लेके चलते हैं। इसलिए जब 2014 में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने नारा दे दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, हर एक के दिल में देश से मोहब्बत होनी चाहिए, तिरंगा झंडा बुलंद रखना चाहिए, तिरंगे झंडे से प्यार, अपने वतन से मोहब्बत, अपने मादर वतन को सलाम पेश करो, अपने मुल्क से वफादारी का जज्बा, हुब्बल वतनी का जज्बा, खिदमत खलक का जज्बा हर शख्स में हो, ये हमारे मोदी साहब ने बार बार कहा। यह हिंदुस्तान हम सबका है, यह हिंदुस्तान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो यह हिंदुस्तान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, मंगल पांडे, तत्ते टोपे और वीर सावरकर जी जैसे बड़े बड़े महान क्रांतिकारी बलिदानियों का हिंदुस्तान है, तो यह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्ला खान साहब, कैप्टन अब्दुल हमीद साहब और कश्मीर के बारामूला के जनाब आजानी मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब का भी उतना ही बराबर का हिंदुस्तान। इसलिए आओ हम सब मिलजुल कर काम करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, और आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बने, इस मिशन को लेकर हमने आगे बढ़ना है। यही निवेदन करते हुए मैं आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी मुबारकें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह काफिला यह कारवां इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, और मैं आपको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। वीरेंद्र रैना को नाम नहीं लिया।